नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन। एसडीएम द्वारा देवनिया पुलिस और कानून को हल्का लेखपाल को मामले का निस्तारण करने को कहा गया। बहेड़ी से हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने बताया कि देवनिया में सगे भाई ने दुकान पर कब्जा कर लिया है, खाली कराने से किया इनकार। पुलिस और तहसील प्रशासन 2 महीने से कर रहा अनसुना। बरेली थाना देवनिया के मोहल्ला फहीमांचल निवासी शमशुद्दीन ने एसडीएम बहेड़ी को प्रार्थना पत्र देकर अपने सगे भाई के ऊपर कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें शमशुद्दीन द्वारा बताया गया कि कुछ समय पहले मुड़िया रोड पर उसने 2 मंजिला दुकान खरीदी थी, जिसका बैनामा रजिस्ट्रीकृत कराया गया था। दुकान खाली होने की वजह से सगे भाई जमालुद्दीन ने चावल का कारोबार कर लिया और कुछ समय बाद खाली करने का वादा भी किया, लेकिन अब कहने पर भी दुकान खाली नहीं कर रहा है और लड़ाई झगड़े पर आमदा है, जिसकी शिकायत एसडीएम बहेड़ी राजेश चंद्र से की तो एसडीएम द्वारा देवरनिया पुलिस व राजस्व निरीक्षक व हल्का लेखपाल द्वारा मामले का निस्तारण करने को कहा गया, लेकिन अब तक देवनिया पुलिस व कानून को व लेखपाल द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। रोज आजकल कर रहे हैं, दुकान मालिक शमशुद्दीन तहसील व थाने के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं, लेकिन पुलिस व कानून को द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाँ बताएंगे, हमारी एक निजी अपनी दुकान ही जो जिसे हमने ख़रीदा है, ख़रीदने के बाद में 6 महीने पहले लगभग भाई ने क्या मांगी थी मुझसे कि दो महीने के लिए दुकान किराए पर दे दो, 2 महीने के लिए किराए पर दे दी, दोबारा उसमें के खाली कर दे, तो वो खाली करने को तैयार नहीं है, जिस दुकान का कि मेरे पास बैनामा भी है। जैसे कि आपने बताया कि आप किराए पर नहीं दिए, एक मांगी थी उसने कि 2 महीने तक मुझे रख लेने दीजिएगा, 1 महीने के बाद मैं अपनी दुकान में रख लूँगा, खाली कर दूँगा दुकान। शिकायत करी बहेड़ी तहसील में नेकपाल कानीगोर से, तो वो आज की कल टालते चले जा रहे हैं, जिससे कि हो गए 1 महीना हो गया टालते हुए, 1 महीना 3 दिन अभी तक किसी प्रकार का कोई हल नहीं हुआ, अभी किसी प्रकार का कोई हल नहीं हुआ है। थाने भी दौड़ रहा हूँ मैं, थाने वाले भी नहीं सुन रहे, बहेड़ी भी नहीं, तहसील वाले भी नहीं सुन रहे।